वेलकम, आई एम डॉक्टर इरफान अहमद चौधरी, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन, मेयो हॉस्पिटल लाहौर। अभी हम एक पेशेंट के आपको रिजल्ट्स दिखाने जा रहे हैं। पेशेंट, इनका मसला ये था कि इनकी मेनिस्कस का बकेट हैंडल टियर था। शी इज अप्रोक्सीमेटली 40 ईयर ओल्ड फीमेल और इनका बकेट हैंडल टियर था मेनिस्कस के, जिसकी वजह से नी बिल्कुल लॉक हो गया था। क्या इशू हुआ था आपको? घुटना जमीन पे पाँव नहीं हो रहा था, ठीक है। फिर हमने, अगर आप देखें, आर्थ्रोस्कोपिकली इनका अगर आप दे सकते हैं, सिर्फ दो निशान है और उससे हमने इनका जो बकेट हैंडल टियर था उसको रिमूव कर दिया, मेनिसेक्टोमी कर दी थी। बाकी इनका नी बिल्कुल ठीक था। तो सर्जरी करने के बाद कितनी देर बाद या कितने घंटों दिनों बाद हमने आपको बिल्कुल ठीक चला दिया था? उसी दिन आप खुद चल के घर गई थी। अब आप अपना घुटना बिल्कुल सीधा करें, बिल्कुल सीधा और बिल्कुल इकट्ठा करें, शाबाश। तो अब आपको इस घुटने में उस बच्चे का दोबारा किसी किस्म का कोई इशू नहीं हुआ, किसी किस्म का कोई इशू नहीं हुआ, ठीक है। तो बेसिकली हमारा मकसद ये है कि जो सर्जरी है आर्थ्रोस्कोपिक नी की सर्जरी, ये एक ऐसी सर्जरी है जो मरीज को मैक्सिमम जल्दी रिलीफ देती है। पेशेंट का मसला था, पेशेंट उसी दिन ऑपरेट हुआ, उसी दिन चल के घर गया। तो मकसद ये है कि इफ़ यू आर सफरिंग, अगर आपको नी का किसी किस्म का कोई लिगामेंटस इशू है, यू कैन कॉन्टैक्ट अस फॉर आर्थ्रोस्कोपिक नी इंजरीज। आई होप दिस वीडियो विल सर्व द पर्पज। थैंक यू सो मच।